अप्रत्यक्ष कर जब लगाया जाता है तो ये सारे कर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर अपने अपने इच्छा से लगाते हैं, उनके परसेंटेज अलग अलग होते हैं, उनके अपने कुछ अलग अलग नियम होते हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर को लागू करने और उनको वसूल करने दोनों में ही काफ़ी खामियां थी। और इन खामियों को दूर करने के लिए GST लाया गया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, जिसे हम हिंदी में माल एवं सेवा कर भी कहते हैं। GST वास्तव में बेचे गए माल और दी गई सेवाओं पर लगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि GST के लागू होने से पहले, जैसे कि हमने अप्रत्यक्ष कर में देखा कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे, और इन्हीं करों के साथ बहुत सारी ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी और उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य शुल्क भी लगाए जाते थे। तो इन सभी मदों को मिलाकर, इन सभी टैक्सेस को मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया को, टैक्स के लागू करने से लेकर वसूली करने की जो प्रक्रिया थी उसको आसान बनाने के लिए GST लाया गया। यहाँ पे हमने देखा कि 1 जुलाई 2017 से पहले जब GST लागू नहीं था तो किस प्रकार टैक्स को लगाने और वसूल करने की प्रक्रिया थी, उसमें क्या खामियाँ थी, क्यों ज़रूरत पड़ी GST लाने की, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 से देश के सभी राज्यों में और उसके साथ साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में GST लागू कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पहले जो टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से लागू किए जाते थे, क्योंकि हमने देखा कि उसमें अब एकीकरण कर दिया गया और सभी राज्य सरकारों को समान रूप से इसका भुगतान करना पड़े, इसके लिए कुछ अपने नियम बनाए गए। पहले हम देखते थे कि उत्पादन से लेकर विक्रय तक अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह से कर अलग अलग राज्यों द्वारा लगाए जाते थे, लेकिन GST के आने के बाद इसका पूरा जो एकीकरण हुआ, पूरा जो परिवर्तन हुआ, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले इस GST के लागू होने के पहले हर स्टेज पे अलग अलग टैक्स लगाया जाता था। जैसे हम देखते थे कि जैसे ही कोई माल एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य पर पहुँचता है, यानी उसके बॉर्डर को क्रॉस करता है, तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। फिर हम यहाँ पे देखते थे कि बहुत सारे अलग अलग सामानों पर बहुत सारे एडिशनल टैक्स लगते थे, चुंगी जिसे हम कहते हैं, इस तरह के कर बार बार लगाए जाते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल भेजा जाता था तो माल के घुसते ही वहाँ पर एंट्री टैक्स लगाया जाता था, और इसके बाद कई जगह पर अलग अलग चुंगी आदि की राशि वहाँ पर दी जाती थी। साथ ही साथ हम देखते थे कि ये जो इतने एक ही वस्तु पर इतने सारे टैक्स का ये जो सिलसिला था, ये यही नहीं थमता था। ये माल जब दूसरे राज्यों में जाके बिकता था तो फिर से वहाँ पर उस पर सेल टैक्स लगाया जाता था, और कहीं कहीं तो इसी माल पर परचेस टैक्स लगाया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी एक ही वस्तु पर इतने सारे टैक्स लाद दिए जाते थे। और साथ में ये जो वस्तुएं हैं, अगर वो विलासिता से संबंधित होती थी तो उनमें लग्जरी टैक्स भी देना पड़ता था, और इन्हीं वस्तुओं को अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में ले जाकर इनकी सप्लाई की जाती थी तो लग्जरी टैक्स देने के बाद फिर से उसी वस्तु पे सर्विस टैक्स चार्ज कर दिया जाता था। तो ये जो टैक्स लगाने की पूरी प्रक्रिया थी, हम ये कह सकते हैं कि इसका एक मकड़ जाल बना हुआ था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और बार बार एक ही वस्तु पर टैक्स लगाना उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती जाती थी। इन्हीं सब खामियों से बचने के लिए, और जो प्रोड्यूसर थे, जो प्रोडक्शन जो कर रहे थे, उनके जो माल की लागत थी उसको कम करने के लिए, कस्टमर के ऊपर जो अतिरिक्त भार आ रहा था उसको कम करने के लिए, और इन्हीं सब विसंगतियों को देखते हुए फिर हम GST लाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। अब आइए जाने कि GST की ज़रूरत वास्तव में क्यों पड़ी। भारतीय संविधान में टैक्स लगाने संबंधी पहले जो नियम थे
उनमें किसी माल को बनाने यानी मैन्युफैक्चर करने या प्रोडक्शन करने से संबंधित जो टैक्स होते थे उनको लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास था, और उन्हीं माल को बेचने पर जो कर लगता था यानी कि सेल टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, और सभी स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने निर्धारित टैक्स रेट के अनुसार उन वस्तुओं पर टैक्स लगाती थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली कि कई बार ऐसा होता था कि एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स लगा दिया जाता था, यानी वस्तुओं पर टैक्स को पूरी तरीके से लाद लिया जाता था और कहीं ना कहीं ये सारे टैक्स उपभोक्ताओं से ही वसूल किए जाते थे वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य के साथ। एक ये समस्या थी, और दूसरी समस्या ये थी कि क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग रेट पर टैक्स लगाती थी तो एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता था, और इस तरह से एक ही वस्तु के प्रोडक्शन पे भी टैक्स देना होता था और उसी वस्तु के सेल होने पर फिर से टैक्स देना होता था। तो GST लाकर ये जो बार बार एक ही वस्तु पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया थी उसको एकीकृत कर दिया गया, एक बार ही उस वस्तु से टैक्स ले लिया जाए, इस तरह की के नियम लाए गए। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिली वो ये थी कि इस GST को लागू करने के लिए बाकायदा संविधान में बदलाव करना पड़ा। पहले जो नियम बनाए गए थे टैक्स लागू करने के, उन सब नियमों को हटाते हुए अलग करते हुए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई और पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से GST को लागू कर दिया गया। आइए अब देखते हैं GST की कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो जैसे कि हमने GST के अर्थ को समझा, उससे हम अगर GST की कुछ विशेषताओं को बाहर निकालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स लगाया गया, यानी कुल मिलाकर एक बात ये कही जा सकती है कि किसी वस्तु के विक्रय पर जो टैक्स लगाया गया वास्तव में उसका पेमेंट करेगा उपभोक्ता, लेकिन उसकी वसूली करेगा बेचने वाला। कुल मिलाकर टैक्स अभी भी उपभोक्ता को ही देना है, लेकिन एक ही वस्तु पर बार बार जो टैक्स लग रहा था, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के जो टैक्स लगाए गए थे उनमें एकीकरण आया, उनको एकीकृत करके टैक्स की वसूली का जो दायित्व था वो विक्रेता को सौंपा गया, और कि वो किस तरह से उपभोक्ताओं से टैक्स वसूल करके सरकार को दे। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमने जैसे कि इसके मीनिंग में देखा कि एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स, यानी टैक्स का भार किसी एक वस्तु पर जो बढ़ रहा था उसको GST लाने के साथ साथ हमने खत्म कर दिया। एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि GST के जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, यानी यहाँ पर किसी भी जो व्यवसायी है, कारोबारी है, उनको कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन GST से रिलेटेड चाहिए वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वो सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। GST की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि ये ऑनलाइन है और इसमें ई इनवॉइसिंग जो है, बीजक जो है, वो सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पर टैक्स अपवंचन या कर चोरी जैसे कोई स्थिति निर्मित होने की कोई संभावना नहीं बनती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग राज्य की सरकारें जो टैक्स दरों पर अब तक मनमानी करती थी, अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाते थे जिससे किसी भी माल का जो मूल्य था वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, इन सारे परेशानियों से GST के आने के बाद छुटकारा मिला है। तो इस तरह से GST का लागू होना सभी के लिए फायदेमंद रहा। आइए सबसे पहले जानें कि सामान्य लोग यानी उपभोक्ताओं के लिए GST किस तरह से फायदेमंद रही। उपभोक्ताओं के लिए सबसे पहले ये देखा गया कि अलग अलग तरह के जो टैक्स एक ही वस्तु पर लगा दिए जाते थे, यानी एक ही वस्तु पर टैक्स का बोझ इतना हो जाता था कि उस वस्तु की लागत में टैक्स जोड़ते ही वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती थी, लेकिन GST के आने के बाद क्योंकि वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम हुआ, यानी कि उनकी कीमतें भी कम हुई और उपभोक्ताओं को पहले से थोड़ी कम कीमत में वस्तुएँ मिलने लगीं।
यही ये भी देखा गया कि जीएसटी जो है वो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरह से लगाई गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही कि जो जीवन रक्षक वस्तुएं थी, जीवन जीने के लिए जो अति आवश्यक वस्तुएं थी, उन पर जीएसटी का रेट थोड़ा सा कम किया गया। तो इसको इससे ये फ़ायदा हुआ कि सभी लोगों को अपनी जीवन रक्षक वस्तुएं या जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं थी, जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में देखते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो बहुत आसानी से करने लगे। साथ में ये भी देखा गया कि कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अब जीएसटी के अंतर्गत आने लगा, यानी अब सरकार को राजस्व के रूप में टैक्स जो है वो बड़ी मात्रा में प्राप्त होने लगा। और राजस्व अगर बढ़ता है तो सरकार इन जो भी उसकी आय होती है उनको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, परिवहन पर समान रूप से व्यय करती है। तो इससे देश के लोगों का जो जीवन स्तर था उसमें भी काफ़ी सुधार आया। तो केवल सामान्य लोग ही नहीं बल्कि कारोबारियों को भी इससे लाभ प्राप्त हुआ। हमने देखा कि किस प्रकार जीएसटी के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर लगाए जाते थे। इससे कारोबारियों को वस्तु मूल्य निर्धारण में जो दिक्कतें होती थी, परेशानियां होती थी, वो कम हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये देखी गई कि जीएसटी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाने की वजह से जो कारोबारियों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, इन समस्याओं से उनको निजात मिली। अब अगर हम बात करें कि सरकार को क्या लाभ हुआ, तो जीएसटी आने के पहले अगर हम देखें तो बहुत से कारोबारी ऐसे थे जो अपने कारोबार के एक बड़े हिस्से को छुपा लेते थे, जिसे हम कह सकते थे कि बहुत सारे उत्पादन और सेवाओं को अंडरग्राउंड कर दिया जाता था। तो अगर वो अपने प्रोडक्शन को शो नहीं कर रहे हैं, सेल को शो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को उससे मिलने वाला कर यानी कि राजस्व भी नहीं मिल पाता था। जीएसटी आने के बाद क्योंकि इन सब समस्याओं का समाधान हो गया, कहीं पे भी कर चोरी या कर अपवंचन जैसी स्थितियां अब नहीं बन पाती हैं, तो सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व की प्राप्ति पहले से ज़्यादा होने लगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली कि अलग अलग राज्यों में जो जीएसटी के अलग अलग दरें थी, उनको जो वो अपनी स्थिति के आधार पर, अपनी सुविधा के आधार पर मनमानी करते आ रहे थे अब तक टैक्स रेट के लिए, टैक्स लगाने के लिए, उस समस्या से निजात मिली। अब सभी राज्यों में एक ही तरह की वस्तुओं पर, एक ही तरह की सेवाओं पर समान कर की दर लागू हो गई। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये हुई कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने से टैक्स रिकवरी के लिए जो एक बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती थी सरकार को, अब उस वो जो पैसा है वो सरकार का बच जा रहा है जो रिकवरी के लिए खर्च करना पड़ता था। तो न केवल सामान्य जन को यानी कि भारत की आम जनता को, बल्कि कारोबारी और सरकार सभी को जीएसटी आने से काफ़ी लाभ मिला है। हमने देखा था कि बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को ख़त्म करके कर की पूरी प्रक्रिया को एकीकृत करके जीएसटी लागू किया गया। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से अप्रत्यक्ष कर थे जिनको समाप्त करके उनके स्थान पर जीएसटी लाया गया। केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले ली है, सेंट्रल टैक्सेस रिप्लेस बाय जीएसटी। पहला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा, मेडिकल और टॉयलेट संबंधी निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। तीसरा, विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। चौथा, सूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। पांचवा, कस्टम ड्यूटी ड्यूटीज ऑफ कस्टम CVD। छठवा, विशेष कस्टम ड्यूटी स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम SAD। सातवा, सर्विस टैक्स। आठवा, सेस और सरचार्ज, राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले ली, स्टेट टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। पहला, वेट स्टेट VAT। दूसरा, केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल टैक्स।
तीसरा खरीद कर परचेस टैक्स, चौथा विलासिता कर लग्जरी टैक्स, पांचवा प्रवेश कर एंट्री टैक्स सभी प्रकार के, छठवा मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे, सातवा विज्ञापन कर टैक्सेस एंड एडवर्टाइजमेंट, आठवा लॉटरी सट्टा और जुआ पर टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज बैटिंग एंड गैम्बलिंग, नौवा उपकर और अधिभार स्टेट सीज एंड सरचार्जेस। तो आपने देखा कि बहुत सारे पुराने कर जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते आए थे वो समाप्त हो गए और उनके स्थान पर हम जीएसटी देख रहे हैं आज। लेकिन ये जो जीएसटी है ये कई बार अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई बार हमको ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि जीएसटी के नाम पर हम कभी CGST दे रहे हैं, कभी IGST दे रहे हैं, कभी SGST दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सारे जीएसटी टैक्सेस जो होते हैं वो एक ही होते हैं। लेकिन कब हम इनके लिए किस नाम का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम जान लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब एक ही राज्य में दो व्यापारी या दो कारोबारी आपस में कोई सौदा करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार को जो जीएसटी के रूप में जो अमाउंट जाती है उसको हम CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। यहीं पर दूसरा हमको जो देखने को मिलता है वो है SGST यानी जब एक ही राज्य के दो पक्षकार या दो कारोबारी कोई व्यवसाय कोई सौदा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार के पास जो जीएसटी जाता है उसको हम बोलते हैं SGST क्योंकि वो स्टेट के पास जाता है। ऐसे ही एक नाम हम सुनते हैं UTGST यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। हमने देखा कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी न केवल भारत के सभी राज्यों बल्कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। और जब किसी केंद्र शासित प्रदेश के दो व्यापारी दो पक्षकार आपस में कोई समझौता करते हैं तो उस राज्य को जो टैक्स के रूप में देना पड़ता है उसको जो मिलता है वो UTGST यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी के नाम से जाना जाता है। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई बार अलग अलग राज्य के जो कारोबारी होते हैं वो जब आपस में सौदा करते हैं तो जीएसटी का यानी टैक्स का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहता है और कुछ राज्य को भी मिलता है जिन राज्य के वो व्यापारी होते हैं। ऐसी कंडीशन में टैक्स का पूरा हिस्सा पहले केंद्र सरकार को चला जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार उसका आधा हिस्सा उस राज्य को देती है जिस राज्य के व्यापारी से लेन देन या सौदा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो जीएसटी प्राप्त होता है कि क्योंकि वो इंटीग्रेटेड होता है राज्य और केंद्र सरकार का एक साथ प्राप्त कर लिया जाता है तो वो IGST के नाम से इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे नाम का अर्थ ये नहीं हो सकता कि बार बार जीएसटी कभी राज्य को देना पड़ रहा है कभी केंद्र को देना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि उसका क्षेत्र क्या है। एक राज्य के बीच में हो रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, दो अलग अलग राज्यों के बीच में हो रहा है। जीएसटी केवल एक ही बार चुकाना होता है उसको, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। साथ ही जीएसटी की जो दरें हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग प्रतिशत के आधार पर लगाई जाती है। तो आइए देखें कि किन किन दरों के आधार पर जीएसटी लागू किया जाता है। जीएसटी की 5 तरह की दरें हैं। जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जीएसटी के कुल 5 स्लैब मंजूर किए हैं जो कि इस प्रकार है। पहला 0% जीएसटी, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुओं पर एवं सेवाओं पर जैसे कि अनाज नमक गुड़ ताजी सब्जियां वगैरह। दूसरा 5% जीएसटी, जीवन के लिए सामान्य आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि चीनी तेल मसाले
चाय, कॉफी, उर्वरक वगैरह। तीसरा, 12% जीएसटी, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि नमकीन, दंतमंजन, छाता, दवाइयां आदि। चौथा, 18% जीएसटी, मध्यम स्तर पर जीवन जीने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं, जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर आदि। पांचवा, 28% जीएसटी, विलासिता और हानिकारक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5-स्टार होटल में ठहरना आदि। तो आपने देखा कि किस प्रकार किसी भी देश की केंद्र सरकार अपने राजस्व का यानी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स और ड्यूटीज़ के माध्यम से वसूल करती है। हमने इस पूरे अध्याय में करों के बारे में जाना, कर क्या है, क्यों लगाया जाता है और इससे हम सबको क्या लाभ होता है। साथ में हमने जाना प्रत्यक्ष कर के बारे में, अप्रत्यक्ष कर के बारे में और अप्रत्यक्ष कर की खामियों को दूर करते हुए जीएसटी लागू किया गया। क्या है जीएसटी, कौन कौन सी परेशानियां इससे दूर हुई, जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स के संबंधी जो नियम थे उनमें क्या खामियां थी, किस प्रकार जीएसटी लाने से इन खामियों को दूर किया जा सका और जनता के साथ साथ कारोबारी और सरकार को किस तरह से लाभ प्राप्त हुआ।